मलाईदार, लच्छेदार, स्वादिष्ट रबड़ी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल में। आज हम बनाने जा रहे हैं रबड़ी। इसे घर पे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलो बनाते हैं लच्छेदार रबड़ी। रबड़ी बनाने के लिए हमें लेना है खुले मुंह का बर्तन। बर्तन को हल्का सा घी लगा के लीजिए ताकि दूध नीचे नहीं लगेगा। यहाँ पे मैंने लिया है 1 लीटर फुल फैट वाला दूध। दूध को अच्छे से उबाल आने दीजिए। हर 1 मिनट के बाद दूध को चम्मच से हिलाते रहना है ताकि दूध बर्तन के तले भी ना लगे। दूध अच्छे से गाढ़ा हो गया है। अभी हम डालेंगे 1 टीस्पून फ्रेश दही। हाँ, दही खट्टा नहीं चलेगा। दूध को मध्यम आंच पे हिलाते रहना है। आप मध्यम से तेज आंच रख सकते हैं। अगर आप कम आंच रखोगे तो रबड़ी का कलर पीला हो सकता है। हमें यहाँ पे हलवाई जैसे रबड़ी चाहिए, इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे आंच मध्यम रखी हुई है। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया सी मलई जमने लगी है। जो भी मलई आएगी वो बर्तन के किनारे पे लगा देना है। यहाँ पे बहुत बढ़िया से लच्छे आने लगे हैं। अभी हम डालेंगे 50 ग्राम चीनी। चीनी डालने के बाद उसको चम्मच से हिलाते रहना है क्योंकि चीनी अपना पानी छोड़ेगी। दूध 1/3 होने तक हिलाते रहना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा दूध गाढ़ा होने लगा है। एक बात का ध्यान रखिए, दूध को पूरी तरीके से घटाना नहीं है, थोड़ा सा दूध होना जरूरी है। रबड़ी को अगर जलेबी और मालपुआ के साथ खाएंगे तो थोड़ा दूध होने से उसका स्वाद 2 गुना हो जाएगा। यहाँ पे चीनी अच्छे से घुल गई है और बहुत ही बढ़िया से लच्छे आ गए हैं। हमारी रबड़ी तैयार हो गई है। अभी आप गैस से उतार सकते हैं। इसे ठंडा करने के लिए आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। रबड़ी ठंडी होने के बाद ये और गाढ़ी हो जाएगी। हमारी रबड़ी बहुत ही अच्छे से जम गई है। आपके मनपसंद ड्राई फ्रूट्स आप ऊपर से डाल सकते हैं। इस तरीके से रबड़ी घर पे बनाएंगे तो बिना कोई दूध पाउडर डाले हलवा इसे कहीं गुना बेहतर, उतनी ही गाढ़ी लच्छेदार रबड़ी आप घर पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलिए।